नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल, एक ऐसा स्कूल जहां पर कक्षाओं में बच्चों की जगह भूसा भरा रहता है। 1995 में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत गांव लालवास में बनाया गया था स्कूल। 2 बरस चलने के बाद बंद हो गया था। अब स्कूल के कमरों में चारा और भूसा भरा रहता है। ऐसे में शिक्षा विभाग का हैरानीजनक तर्क, जो आपको भी शायद हैरानी में डाल दे, विज्ञान विभाग के संज्ञान में नहीं है मामला। गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है दूसरे गांव में। पलपल फैदाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर जब सुविधाएं ही नहीं होगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा विभाग अपने किसी न किसी कारनामे के कारण चर्चा में रहता है, मगर इस बार का कारनामा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के गांव ढाणी लालवास में सन 1995 में प्राथमिक स्कूल बनाया गया था, जो कि अब किसी पशुओं के तबेले में तब्दील हो गया है। आप इस स्कूल में जाएंगे तो वहां कमरों में बच्चे नहीं मिलेंगे, बल्कि भूसा मिलेगा, जो पूरी तरह से कमरे भरे मिलेंगे। इतना ही नहीं, इन कमरों में भूसा रखने के लिए ग्रामीणों को बकायदा नंबर लगा हुआ है, यानी कौन व्यक्ति इन कमरों में अपनी तूड़ी डालेगा। 1995 से 1997 तक चले इस स्कूल में तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों का भी प्रबंध किया था, मगर 1997 के बाद यहां पर शिक्षकों को हटा दिया गया और जिसके बाद ये शिक्षा का मंदिर वीरान हो गया। जाहिर सी बात है, स्कूल में बच्चों का आना भी बंद हो गया और धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि स्कूल में ताला लटका दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल में बने कमरों में भूसा रखने के लिए गोदाम बना दिया। इतना ही नहीं, जब मामले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो हैरानीजनक जवाब मिला। उन्होंने कहा, हमें शिक्षा स्कूल के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, विभाग के पास पर्याप्त शिक्षक स्कूल। जब इतने सारे स्कूल में शिक्षक हैं तो आखिर ये स्कूल कैसे बंद हुआ? शिक्षा विभाग का कहना है कि इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। स्कूल बंद होने के चाहे जो वजह रही हो, मगर खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। ढाणियों के आसपास के लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए किसी अन्य गांव का रुख करना पड़ता है, तो स्कूल और ढाणी का रास्ता कई किलोमीटर दूर होने के कारण छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब इस मामले को शिक्षा विभाग कैसे लेता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विभाग अगर इस मामले में संज्ञान लेता है तो पढ़ेगा भी इंडिया और बढ़ेगा भी इंडिया। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। माननीय चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम, तो चौधरी भजन लाल जी ने अपने राजकीय प्राथमिक मेमोरियल हरकी देवी मेमोरियल नाम से ये स्कूल बनाया था, दूर दराज गाँव से 3 किलोमीटर दूर ढाणियों में, ताकि ढाणियों में रहने वाले बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके और गर्मी से बच्चे दो बच्चों के 3 किलोमीटर दूर होने की बजाय मतलब गाँव ढाणियों के जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं पहुँच पाते, और अब तो इतनी गर्मी है कि बहुत ज़्यादा मतलब के बच्चे बाहर निकल ही नहीं सकते, तो उसका जो स्कूल का जो है वो मिसयूज हो रहा है। गांव के अंदर लोगों ने भूसा डाल रखा है पशुओं का, और अब तक कभी स्टाफ नहीं आया उसके अंदर। तो मैं ग्रामीण होने के नाते ये चाहता हूँ कि पहली बात तो शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हमारा समाज अधूरा है, हमारे बच्चे आगे क्या भविष्य बनेगा बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ, गाँव की तरफ से चाहता हूँ कि चौधरी भजन लाल जी की जो देन है हमारे स्कूल को, हरकी देवी जी के नाम पे ये स्कूल बनाया था, इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसके अंदर स्टाफ की कमी है जो पूरी की जा सके और बच्चों का एडमिशन किए जाए। स्कूल के आसपास करीब 250 से ऊपर ढाणियाँ हैं जी, और काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब कि पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, और माँ बाप को क्योंकि आज के टाइम जो है नशे का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, ताकि बच्चे जो गाँव में आना चाहते हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए वो बच्चे भी नहीं आ पाते, क्योंकि मतलब कि हर टाइम माँ बाप को डर बना रहता है इतनी दूर बच्चा कहाँ जाएगा, और सभी माँ बाप को इतनी पहुँच नहीं कि वो मतलब कि बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ के आए और दोपहर को लेके आए। तो मैं गांव लालवास की तरफ से ये मांग करता हूँ सरकार से कि इस स्कूल को जल्द से जल्द चलाया जाए, इसका अच्छी साफ़ सफाई व्यवस्था की जाए, पानी का प्रबंध किया जाए और बच्चों का एडमिशन हो, ताकि मतलब कि बच्चों का जो ढाणियों के जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल रहे।